नमस्कार किसान भाइयों और मेरे पशुपालकों, स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, हम जब भी पशु खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले जो है उसकी लेवटी का साइज देखते हैं दोस्तों, और उसी के हिसाब से हम अपने पशु को खरीदते हैं दोस्तों। लेवटी जिसे हम अडर भी कहते हैं दोस्तों, और जिसे थन भी कहा जाता है दोस्तों। जितनी बड़ी उसकी साइज होगी दोस्तों, हमें मालूम है कि उतना ही ज़्यादा हमें उस पशु से दूध प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका उपयोग करने से आप अपने पशु का दोस्तों जो अडर है उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। और इस उपाय को बनाने के लिए दोस्तों, आपको जो है 2 से 3 प्रकार के अनाज ले लेने हैं। टोटल 1 किलो मिश्रण ले लें हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है मैं 400 ग्राम चना ले रहा हूँ दोस्तों, और इसे भिगा ले रहा हूँ। और इसी तरीके से जो है 300 ग्राम गेहूँ ले लिया है और इसे भी भिगाने के लिए रख दिया है। और साथ में दोस्तों लगभग 300 ग्राम जो है जौ ले लिया है और इसे भी मैंने भिगाने के लिए रख दिया है। तो ये जो चना है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से भीग चुका है। और चना जो है दोस्तों विटामिन एच का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जो पशु के अडर के साइज को बढ़ाने में अच्छा होता है। इसलिए जो है हमें जो है चना का इस्तेमाल करना है अपने पशु के अडर के साइज को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ में दोस्तों हमने गेहूं को भी भिगा लिया था। आप जो है अगर आपके तरफ जो अनाज सस्ता हो आप इसकी जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जौ भी मैंने ले लिया है दोस्तों। और साथ में जो है आपको सेंधा नमक लेना है, लगभग 20 ग्राम सेंधा नमक इस्तेमाल करना है हमें। और लगभग 30 ग्राम जो है हमको विटामिन एच का पाउडर इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सभी चीज़ों को पकाने की तैयारी कर लेते हैं। इन सभी सामग्रियों को पकाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम इन्हें पकाते हैं तो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे तरीके से पशु हजम कर पाता है। इसलिए इन सभी सामग्रियों को पकाना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं जौ दोस्तों, जो हमने 300 ग्राम भिगा लिया था। साथ में डाल देते हैं दोस्तों 300 ग्राम गेहूं, और डाल देते हैं दोस्तों 400 ग्राम चना जिसे हमने भिगा लिया था। और इसे थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं दोस्तों, जब तक सेंधा नमक जो हमने लिया है उसे बारीक कर लेना है। आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके भी इसे पीस सकते हैं। और थोड़ी देर पकने के बाद दोस्तों जो 20 ग्राम सेंधा नमक लिया है उसे आपको डाल देना है। तो इसे देने का तरीका ऐसा है दोस्तों कि हमें जो है अपने पशु को डिलीवरी से जो है 2 महीने पहले इसे देना स्टार्ट करना है। ये आज मैंने आपको जो बताया दोस्तों, ये 1 टाइम का डोज है। ऐसे ही आपको सुबह और शाम दोनों टाइम देना है दोस्तों। और ऐसे ही लगातार 2 महीने तक देने से जो है पशु का अडर का साइज निश्चित ही बढ़ जाएगा। और इस मिश्रण को जो है दोस्तों अब आधा घंटे के लिए हम पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसे लगभग जो है दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें जो है सभी सामग्री अच्छे तरीके से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे उतार लेते हैं दोस्तों, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं दोस्तों। और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद दोस्तों, जो हमने 30 ग्राम जो हमने विटामिन एच का पाउडर लिया है इसे इसमें डाल देना है। और ये अब तैयार है दोस्तों, हम अपने पशु को इसे खिला सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में। और ऐसी जानकारियाँ और भी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।